मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर थे तुम? मरकज इस्लाह जुल्फ में। मरकज इस्लाह जुल्फ, ये क्या होता है? नई दी दुकान। तो सीधा बोला करना, उर्दू इमला लिखने आया है क्या? बाल तो बहुत औक्सम कटवाए हैं, हर वक्त एस की जगह एक्स क्यू लगाता है तू? इससे स्वैग में इजाफा होता है। अबे ओ स्वैगी गुज्जर, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। आजकल जिस उम्र में बच्चे मोबाइल यूज करते हैं उस उम्र में ये मिट्टी खाता था। ओ इतना जंगली था तू? तू आया बड़ा जीनियस, तू तो अपनी अम्मी का सारा मेकअप खाता था। सब दे सामने शर्मा दिया, तुम्हारा भी पता है मैनू। ओ रियली? ये तो होस्ट टफी नू गरीबा दा एसी कहता था। तुम भी तो बबल को गमचूस कहते थे। और तुम भूल गए लालीपॉप नू मीठा मुक्का कहते थे। ओके चेंज द टॉपिक। तू ते केला हो गया। आज मैं मूड में नहीं था। वरना तू सानू नच के बतांदा। क्यों मैं मेरासी हूं? चल निकल यहां से। सरप्राइज। कहां थे आप? बोल दूं? जी बोल दे। एसजे कॉमिक डबिंग चैनल पसंद है तुम्हें? जी हाँ। सब्सक्राइब कर दिया मैंने। साथ में बेल आइकन भी दबाया। बड़े वाला थैंक्स। खुश है? जी। मुझे भी चैनल सब्सक्राइब करना है पापा। क्या कहा तूने एक दफा फिर बोल? आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब एसजे कॉमिक डबिंग। कुर्बान शाबाश, काश तेरे जैसा जज्बा सबके दिल में होता। चला तू भी चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में घंटी भी खड़काऊंगा। अबे ये घंटी है लियाकत मामू का दरवाजा नहीं। कागज पे लिखी थी गजल, वो बकरी चबा गई। फिर गली में चर्चा ये हुआ कि बकरी शेर खा गई। तो क्या हुआ? अब लोग छेड़ते हैं मुझे, इन्होंने मेरा तखल्लुस बकरी रख दिया है, और आपका भाई भी मुझे बेबी बकरी कहता है। तो क्या करूं मैं? आप मुझे ट्रीट दें। क्या खिलाऊं तुझे? गोश्त खाऊंगा मैं। गोश्त थोड़ा कम खाकर वरना मटका बन जाएगा। मोटा होना तो अच्छी बात है। ओ रियली? तो देख, खाना इंसानों की तरह खाना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है और आपका खाना उड़ भी सकता है। ज्यादा खाने से हो जाता है इनके ऊपर कुछ ऐसा जादू, नहीं रहता इनका अपने पैरों पे काबू। कभी ये पापा की परियां दिखाएंगी अपनी हड्डियों की लचक, और कभी जाएगा मुन्ने का नाक पिचक। बाद में आपको पड़ सकता है बहुत ज्यादा पछताना, तो मेरी बात हमेशा ध्यान में लाना। मुसीबत आ सकती है कभी भी आपके आड़े, तो हमेशा टाइट रखिए अपने कच्छों के नाड़े। कभी अपने ही दोस्त शो करेंगे कि वो हैं खतरों के खिलाड़ी, लेकिन पता लग जाएगा आपको कि उनका फन था एकदम कबाड़ी। जब चढ़ा हो सर पे इश्क का बुखार, फिर भी ना करना एरे गैरे से प्यार, क्योंकि पड़ सकता है आपके मुंह पे लेग पीस का वार, और जब चढ़ जाता है आप पे सस्ता खुमार, तो मदद को आते हैं बाजी नसरीन और इब्रार। संभल के यार। बस दौड़ो दौड़ो, जमाने की फिक्र छोड़ो, आप भी आ जाए। ये तो हलवा है। अरे अंकल तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुम हो खाने के पुजारी, नहीं कर पाओगे इस मशीन की सवारी। अरे बेटा हंसा दिया, इसको तो है हंसने की बीमारी। बच्चों मैं तुम लोगों को स्टंट करके बताऊंगा, लेकिन तुम लोग कभी ट्राई मत करना। जवान बूढ़ा कहीं का, आज के बाद तुम भी ट्राई मत करना। आज घोड़ा भगाऊंगा। अबे ओ ढक्कन, जब तेरे दिल में हो सलीम चचा के पिकोड़े, तो कभी नहीं भगा पाओगे इस तरह के घोड़े। अयो संडे को कहो मुझे छोड़े, अभी उतर जा सस्ते आशिक, इससे पहले के कोई तेरी गर्दन तोड़े। इस घोड़े के मालिक से खाएगा ये मैदान के बीच में कोड़े। ये घोड़ा पागल हो गया, ये घोड़ा पागल हो गया, क्योंकि तेरा वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। बेटा बाइक चलाना एक फन है, जिसमें तुम्हारा मामू A1 है, मगर तेरा वजन कई मढ़ है। आज डाली है नसवार, पहुंचाऊंगा फुटबॉल ग्राउंड के उस पार, मगर तेरे लिए करना है ये बिल्कुल दुश्वार। आओ इसने तो फुटबॉल की चीखें निकाल दी। हाय, आज मैं आपको जंपे मारने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले अपना दायां पांव आगे करे। जंपे मारना भी कोई सिखाता है? पागल कहीं की, ये बाजी सबको हरा देगी, लेकिन ये चिकनी मिट्टी इसे भी गिरा देगी। चल अब फास्ट मोड में कहानी खत्म करते हैं। ठीक है। कभी भागता मुसाफिर थक जाता है और झूमता खुर्रम गिर जाता है। जब साथ हो अशरफ भैया, तो खुद ही चलेगा किस्मत का पहिया। इसकी तो डूब गई नैया। जब गोते इस तरह से लगाएंगी तो हमेशा मुंह की खाएंगी। गाय भी लिफ्ट नहीं कराएगी और शामत सिर्फ तुझी पे आएगी। वैल्यू भी नीचे जाएगी
मोहतरमा, जब भी मछलियाँ इस तरह से फंसाएंगी तो खुद भी पानी के अंदर जाएंगी और आप भी मोकी खाएंगी। बस कर, मैं घर जाता हूँ वरना अम्मी मेरी वाट लगाएगी। देख लिए मोटापे के मसले? मोटापा तो बीमारी है, मुझे थोड़े और क्लिप भी बताओ। बाकी क्लिप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।